आम खबर से आपको आगाह करें, एमकेएम के वफद की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान एमकेएम की जानिब से यह बताया गया है, इस मुलाकात का अहवाल उनकी जानिब से बताया गया है। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में मजबूत राबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी जोर दिया है। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, इस मुलाकात के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक एमकेएम वफ़्द की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जेयूआईएफ के सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। एमकेएम के वफ़्द में मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा जो थे वो शामिल थे। मुलाकात में जेयूआई के असलम गौरी, मौलाना अमजद खान और दीगर रहनुमा जो थे वो भी इस मुलाकात में जेयूआई की तरफ से जो थे शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला किया गया। वफ़्द शहरी सिंध बिलखसूस कराची और हैदराबाद में होने वाली मरदमशुमारी में बेजाबतगियों पर एमकेएम के मौकफ को तस्लीम करने पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया, जबकि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में मजबूत रबतों और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी जोर दिया। एमकेएम तर्जुमान के मुताबिक एमकेएम और जेयूआई के रहनुमाओं का मुल्क और सियासी मामलों पर भी जो है बाहमी मुशावरत से काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। जी ठीक है, शायद आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।